हेलो एवरीवन, दिस इज आस मोहम्मद खान एंड आई अगेन वेलकम यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज रिलेटेड टू ब्लड वैस्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट। एंड इन दिस सेगमेंट वी विल रीड अबाउट इट्स कंट्रोल सेंटर, मींस द ब्लड वैस्कुलेटरी सिस्टम इज कंट्रोल्ड और वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वन इम्पोर्टेंट ऑर्गन दैट इज हार्ट। स्टूडेंट, हार्ट इज द मेन ऑर्गन दैट डज नॉट टेक रेस्ट। इट वर्क्स रेगुलरली फ्रॉम अवर बर्थ टू डेथ। एंड वट इज इट्स मेन फंक्शन? इट वर्क्स एज पंपिंग स्टेशन। स्टूडेंट, लाइक द पंपिंग स्टेशन, इट पंप्स द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। इट इज सिचुएटेड इन आवर एब्डोमन कैविटी, मीन्स इट इज फाउंड इन बिटवीन आवर लंग्स एंड इट इज फाउंड इन आवर मिडल। हेयर इट इज फाउंड, स्टूडेंट, हेयर। एंड इट इज ए ट्राइंगुलर मस्क्यूलर एंड फिस्ट लाइक ऑर्गन, लाइक दिस फिस्ट लाइक ऑर्गन इट इज। एंड इट हैज पर्टिकुलर मसल्स एंड दोज मसल्स आर नोन एज कार्डियक मसल। स्टूडेंट, इफ वी स्पीक अबाउट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर देन इट इज कॉम्प्लिकेटेड। इट हैज फोर चैम्बर। स्टूडेंट, इट हैज फोर चैम्बर लाइक दिस आर ए फोर राइट आरटीएम और राइट ओरिकल। सो यू कैन लर्न इट ओरिकल और आरटीएम। राइट आरटीएम, लेफ्ट आरटीएम और लेफ्ट ओरिकल। हेयर इट इज राइट वेंट्रिकल और हेयर इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट और इन द ह्यूमन हार्ट? इट इज फोर। स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ए प्रॉपर अमाउंट एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेल्प अस टू गेट मोर एंड मोर एनर्जी। लाइक देयर आर सम एनिमल्स लाइक द रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बट दे हैव द थ्री चैम्बर्ड हार्ट, मीन्स दे हैव द टू ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। बट देयर इज सम एनिमल्स लाइक फिश हैव ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच एनिमल्स हैव द टू चैम्बर्ड हार्ट। सो इट इज फिश। स्टूडेंट, फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट एंड विच एनिमल्स हैव द थ्री चैम्बर्ड? इट इज बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट थिंग्स दैट इट हैज। आवर हार्ट इज कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, इट इज डबल मेम्ब्रेन एंड इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड वट वी कॉल इट? इट इज पेरिकार्डियम। वट वी कॉल इट स्टूडेंट? इट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। एज आई हैव टोल्ड यू डैट इट हैज द टू मेम्ब्रेन, मीन्स टू मेम्ब्रेन एंड इन बिटवीन डैट देर इज वन फ्लूड इज फाउंड। दैट फ्लूड इज नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूड, मीन्स दिस फ्लूड इज नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूड। विद द हेल्प ऑफ दिस अवर हार्ट वर्क्स रेगुलरली विदाउट एनी डैमेजिंग, मीन्स इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। स्टूडेंट, मीन्स आवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रेगुलरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स कवरिंग और इट्स एनवलपिंग दैट इज पेरिकार्डियम। नाउ दीज राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिक वॉल, दे हैव थिक वॉल। स्टूडेंट, दे हैव थिक वॉल एंड
they are separated, means right ventricle is separated from right atrium with the help of one valve. That valve is bicuspid valve. Why do we call it bicuspid? Because it has the two flap like structure. Like in this you can see, in this you can see the two flap like structure, two flap like structure. That's why it is known as bicuspid valve. These bicuspid valve or the valve stop the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. These valves are attached some particular fibers. Those fibers are known as coronary tendine fibers, student. Like this, left atrium and the left ventricle are separated from each other again by the valve, and these valves are known as tricuspid valve because it has the three flap like structure. These are the three, 1, 2, and 3, three flap like structure, and it is also known as mitral valve. What we call it? We call it mitral valve. So mitral valve is found in between left atrium and left ventricle. Now these right ventricle and left ventricle are separated by a boundary. That separating boundary is known as septum. What we call it? With the help of separating word you can learn it. Septum. Septum is found in between right ventricle and left ventricle, student. Now there are the different blood vessels are attached with our heart, from which the blood is supplied to different organs, student. Now there is a big blood vessels that supply oxygenated blood is known as aorta. This is aorta, student. And there is also one big blood vessel is attached that supply deoxygenated blood, and that is known as, student, that is known as vena cava. There are the two vena cavas are found or are attached with the heart. First is superior vena cava. It is superior vena cava and it supply blood from brain to the heart, student. Next is, there is inferior vena cava. It supplies the blood from our lower part to our heart. It is known as inferior vena cava. There are some blood vessels are also attached with the heart in the form of pulmonary artery and pulmonary vein. So with the help of this word, you can easily understand that these pulmonary artery or the veins are attached or are connected with our lungs. Pulmonary artery is the exception. It is the artery, but which type of blood it supplies? It supplies deoxygenated blood, student. Artery, it is artery, but what it supplies? It supplies deoxygenated blood. Heart is also attached with the pulmonary veins. It is vein, but which type of blood it supplies? It supplies oxygenated blood. So pulmonary artery and the vein are the exceptions that shows the different function. Like it is artery, but it supplies deoxygenated blood, and it is vein, but it supplies oxygenated blood. So it is about the structure of human heart, student. Now we will discuss in our next segment about its functioning. So thank you very much and have a nice day, student.